डॉक्टर कैसा है भाई? सफर खैरियत से गुजर गया? और जनेद भाई, पीआईए में सफर का अपना ही मजा है। आ जाओ भाई, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। यार मैं बड़ी देर बाद आया हूँ कराची, सुना है बहुत बदल गया है। हाँ भाई, सब बदल गया है। आगे चल के तुझे कोरंगी दिखाता हूँ। जनेद भाई, आपका फोन नहीं चल रहा था। यार ये पीटीए अप्रूव नहीं है। 1 लाख का ये सेट लिया था, उस पे 60% टैक्स है। मैं वो पे करूँ और फिर ये चोरी हो जाए तो मैंने कहा फारिग कराओ भाई, खली वली। यार ये कराची में डकैती वाला मसला हल नहीं हुआ अभी तक। यार भाई, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हमारे पास ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो भाई पूरा वॉलेट दे दिया उसको। टेंशन नहीं लेनी ब्रो, तेरा भाई है ना तेरे साथ। A few moments later. जनेद भैया बहुत फिट हो गए हो, ये फिटनेस का राज क्या है? यार हम कराची वाले तैराकी बहुत करते हैं, आगे चल के दिखाता हूँ तुझे, तू भी फिट हो जाएगा। खल्ली वल्ली यार, ये जुमेरात है, आज ज्यादा जरूरतमंद आ रहे हैं। खैर कोई नहीं यार, ये मिरर ले ले, अल्लाह तेरा भला करे। चेक कर फिर कोरंगी। यार ये कराची में इतना पानी कहाँ से आ गया है? जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, सीवरेज का निज़ाम यहाँ है कोई नहीं, तो पानी ने जाना कहाँ पर है, पूरा साल यहीं पे खड़ा रहता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वेनिस भी ऐसे ही बना था भाई। वो खंबे लगे हुए हैं, पानी में करंट तो नहीं है? तूने टेंशन नहीं लेनी, दिन के टाइम पे यहाँ पे फुल डे लाइट सेविंग्स होती है। देख के इलेक्ट्रिक वालों ने बिरयानी खोली हुई है दिन के टाइम पे। भाई बस बड़ी हो गई चैरिटी, अब कुछ नहीं देना, मतलब मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। अरे पागल वागल हो गया डकी, ऐसे चैरिटी से मना नहीं करते, अगले के पास ग्लो का ठोक देगा यही भी। ये लोग बाहुबली हैं कराची के। सॉरी यार, ये नया आया है कराची में, ये चाबी ले लो, कोरंगी शोर लाइन पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, जाकर पकड़ लो। हिम्मत कर डकी, बस पहुंच गए हैं, आजा तुझे कराची की बिरयानी खिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरो, मैं हूं आजाद चाय वाला। लेट्स टॉक अबाउट द रेस्टोरेंट बिजनेस, और मुझे आपको सबसे जो आसान तरीका रास्ता पैसा कमाने का वो दिखाना है। सो आप मेरे भाई लगते हो। जिनेद भाई ये क्या मजाक है? ये बिरयानी में आलू, बिरयानी ना हुई फ्रेंच फ्राइज होगी। देख डकी, बिरयानी का मजाक नहीं है। मजाक क्या मतलब, ये आलू डाल दिए आगे, अजीब तमाशा बनाया हुआ है। नहीं मतलब क्या, तुम लाहौरियों की तरह हम लोग भी बिरयानी में? एक्सक्यूज मी गाइस, ये जरा बिरयानी की पेमेंट कर दीजिए। अच्छा करता हूँ पे, एक मिनट। यार डकी, मेरा वॉलेट कोई जेब काट गया। क्या बोला आपने? ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा एक काम कर डकी, ये आलू पकड़ आग से। ये कहा ले आयो, ये तुम कराची वाले चाहते क्या हो हमसे? काइंडली आप लोग मेरी बिरयानी की पेमेंट कर दीजिए। मुझे बता दो। ये क्या, ये कराची में लड़कियां भी भत्ता मांगती हैं? तो क्या लड़कियां भत्ता नहीं मांग सकती? रिसर्च नहीं कर रही क्या? मैं तो कुछ बोला भी नहीं था बीबी जी। शट अप। भाई ये पुलिस वाला साथ खड़ा है भाई, देखो भत्ता मांग रहे हैं। आपने आजाद साहब को धक्का दिया है, उन्होंने आपके खिलाफ FIR काटी है। भाई इस केस पे तो FIR बनती भी नहीं। ओ अच्छा, चले मुझे भी बता दे दे फिर। इनकी जेबें बिल्कुल खाली हैं, इनको किसी नामालूम जगह पे फेंको।
ये कराची आके एक दिन में लुट गया हूँ मैं। ऊपर से बिरयानी के नाम पे वो आलू खिला दिए हैं। ऐसी बात ना कर डकी, लाहौर की बिरयानी से ये हजार गुना बेहतर है। भाई ऐसे ना बोल, लाहौर की बिरयानी सूंघी है कभी, उसकी खुशबू से पेट भर जाएगा तेरा। क्या मतलब खुशबू, चल जरा चलते हैं लाहौर में, मैं भी देखता हूँ जरा तुम लोगों की बिरयानी।